आ जाओ भाई इब्राहिम साहब। कोई तो तोड़ा है। अबे देख के जल्दी से गेट बंद करो इब्राहिम, जल्दी जल्दी अंदर आ, जल्दी आओ बोला। ओए जल्दी जल्दी जल्दी। अबे भाई पेयर को देखते हैं कि इन लोगों ने अंडे दे दिए। ये फीमेल है इसकी और ये अंडे नजर आ रहे हैं मुझे कुछ। हाँ ये रहे, तो माशाल्लाह से इसके 4 एग्स आ चुके हैं। ये वाले बर्ड्स की प्रोग्रेस देख चुके हैं, अब आते हैं हम नीचे और नीचे वाले बर्ड्स की प्रोग्रेस देखते हैं। ये फीमेल बैठी हुई है माशाल्लाह से। आ जाओ इस वाले बॉक्सेस में देखते हैं कि इस वाले बॉक्स में है क्या। तो 3, 2, 1, GO। अरे वाह माशाल्लाह, इसके अंदर तो 2 बेबी हैं। वाकई। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी काशन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो भाई आज है जुम्मा और भाईजान जल्दी से जुम्मे की तैयारी करनी है और बेड वेड भी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो भाई इसको भी मेंटेन करवाते हैं और रेडी होते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। टंडन। तो भाईजान आपके भाई ने जल्दी से अपनी बेड वगैरह को ठीक करवा लिया है और अब बारी है जल्दी से फ्रेश होने की, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ मैं और जुम्मे का टाइम भी जल्दी से निकल रहा है। तो जल्दी से कमीशन वगैरह पहनते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई मैं जल्दी से रेडी होकर जुम्मे की नमाज़ वगैरह पढ़कर आ चुका था, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और आज मैं नमाज़ पढ़ने सिर्फ अकेले नहीं गया, मेरे साथ एक बंदा और गया था जो कि काफ़ी टाइम से ब्लॉग में नज़र नहीं आ रहा। तो चलो आओ उससे भी बात करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं वही तो बता रहा हूँ कि इब्राहिम भी मेरे साथ नमाज पढ़ने गए थे। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। मजा आया जी। आपको सब लोग याद कर रहे हैं, आप पूछे तो कि आप सब लोग कैसे हैं? सब लोग तो बिल्कुल ठीक है। इब्राहिम के पेपर्स हो रहे थे, पेपर्स हो गए आपके? नहीं नहीं हुए नहीं। कब होंगे पेपर? करीब आओ, करीब आके बताओ ना। जुम्मे से होंगे। तैयारी है आपकी? पेपर में अंडे तो नहीं लेकर आओगे? अगर अंडे लेकर आए तो डंडे पड़ेंगे। मैं तो लेके आऊंगा। अंडा लेकर आओगे जी। फिर उसके बाद डंडे भी मारेंगे हम। तो भाई ये बहुत शरारती है और बहुत ज्यादा तेज है, और पढ़ाई के अंदर जैसी पढ़ने की बारी आती है ना वैसी भाग जाता ही है, पढ़ता नहीं है, सो जाता है, नींद आ जाती है इसको पढ़ने के नाम से, बहुत ज्यादा तंग करता है। और जब बात आ जाए खाने की तो इसके अंदर फुल एनर्जी आ जाती है। ये देखो सामने जाके बैठ गया, ये देखो। तो चलो भाई इब्राहिम आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो जल्दी से, और हम लोग जा रहे हैं अभी आप सब लोगों को दिखाने के लिए अपने बर्ड्स एवरी की प्रोग्रेस। तो क्योंकि जो है ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है और आप लोगों को पता है कि मेरे पास माशाल्लाह से बर्ड्स वगैरह भी मौजूद है, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपने बर्ड्स की आज प्रोग्रेस दिखाई जाए। कि मैंने कुछ टाइम पहले उनके बॉक्सेस वगैरह लगा दिए थे कि भाईजान अभी उनके अंदर अंडे आए हैं या नहीं आए हैं या बच्चे निकल गए हैं, क्योंकि मैं आजकल कुछ बर्ड्स को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो चलो आज चलते हैं, आप लोगों के साथ बर्ड्स की सारी प्रोग्रेस को शेयर करेंगे और बर्ड्स की प्रोग्रेस दिखाएंगे मैं, और मेरे साथ होगा इब्राहिम। डन हो गया? चले ऊपर फिर। तो चलो भाई आ जाओ चलते हैं। जल्दी, कहाँ रह गए हैं आप? कहाँ रह गए थे आप? नीचे रह गए थे चप्पल पहनने में। चप्पल पहनने लग गए थे? तो चलो भाई आ जाओ चलते हैं। आओ भाई जल्दी आना। अब चलो भाई आ जाओ। आ जाओ भाई इब्राहिम साहब। कोई तो तोड़ा है। अबे देख के जल्दी से गेट बंद करो इब्राहिम, जल्दी जल्दी अंदर आ, जल्दी आओ बोला। ओए जल्दी जल्दी जल्दी। अबे भाई हमें मालूम ही नहीं है, और तोता उड़ रहा था यहाँ पे इब्राहिम, अभी उड़ जाता ये सारा यहाँ से भाग जाता जी। तो भाई मैं सबसे पहले तो भाई यहाँ पे तो एक भंड हो गया, और हम लोगों ने जैसे गेट खोला मुझे लगा कि एवरी के अंदर ऊपर कोई उड़ नहीं रहा हो, कि सब लोग पोशंस के अंदर ही है ना बर्ड्स। तो जैसे इब्राहिम अंदर आ रहा था मैंने देखा यहाँ पे तोता यहाँ से उड़ रहा था, वो भी एवरी के अंदर ही, तो ये अभी यहाँ से उड़ जाता अगर ये इस वाले जाल के ऊपर चिपका हुआ होता तो। शुक्र है इब्राहिम। जी सही बोल रहे हो, अगर हमारा तोता बाहर चला जाता ना तो कौवा आके इसको पकड़ के खा जाता। तो क्यों ना इसको सबसे पहले ना पकड़ते हैं और इसके पिंजरे में डालते, पहले इसका छपका उतार लेते हैं यहाँ से, और इसको ये पकड़ लिया हमने, इधर आओ सोलू, भागा कहाँ से था हा?
उड़ो कहाँ से तुम, इधर आओ इधर आओ। पकड़ लिया, ये पकड़ लिया इसको मैंने यहाँ से, ये आ गया पिंजरे के अंदर, हमें पता ही नहीं है इसको, और उड़ रहा था पूरी एवरी के अंदर। अभी उड़ जाता बेध्यानी में, कोई ऊपर आता अगर सफाई वगैरह करने के लिए तो किसी को तो मालूम ही नहीं पड़ता कि ये खुल के जनाबे आली उड़ रहे थे, ये बिल्कुल फरार हो जाता है। इब्राहिम जी, मैंने इसको इसके अपने पिंजरे के अंदर डाल दिया क्योंकि ये यहाँ से मुझे लगता है खोल कर आ गया था, और इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब हम आपको प्रोग्रेस दिखाना स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहले हम अपने इस केज से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे इस केज के अंदर बर्ड्स हैं और हमारे इस केज के अंदर बर्ड्स हैं। ये वाला केज जो है ये हमारा खाली हो चुका है केज, क्योंकि हम लोगों ने ही खाली कर दिया। इसके अंदर मैंने बेसिकली रखे हुए थे फॉस्टर पेयर, क्योंकि जो बर्ड्स का काम करते होंगे उनको आइडिया होगा कि लोग फॉस्टर पेयर क्यों रखते थे। बेसिकली जो है पहले मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी बर्ड्स की इन सब लोगों की, लेकिन अब जो है पत्नी क्या हो गया, शिपमेंट जाना बंद हो गई, ये क्या मसला हो गया कि बर्ड्स के जो रेट्स है वो आधों से भी आधे से ज़्यादा कम हो गए। तो खैर ये अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आज आप लोगों को अपने बर्ड्स की प्रोग्रेस दिखाता हूँ, आप लोग वो देखिए। और अगर आप लोगों को बर्ड्स की प्रोग्रेस पसंद आए तो ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लगाइएगा। तो चलो हम अपने पहले पेयर से स्टार्ट करते हैं, और ये वाला पेयर को देखते हैं कि इन लोगों ने अंडे दे दिए। ये फीमेल है इसकी, और ये अंडे नज़र आ रहे हैं मुझे कुछ, हाँ ये रहे। तो माशाल्लाह से इसके 4 एग्स आ चुके हैं, और माशाल्लाह से मैंने आपको अपने फर्स्ट और माशाल्लाह से मैंने आपको पहले बर्ड की प्रोग्रेस दिखा दी है। जी बोलिए, आप इतनी दूर क्यों खड़े हो इब्राहिम? आए ना तो करीब आए ना, इधर आए ना, आप वहाँ इतनी दूर खड़े हुए आ जाए। अब हम अपने दूसरे बर्ड्स की प्रोग्रेस देखते हैं, क्योंकि हमने ये वाले बर्ड्स की प्रोग्रेस देख चुके हैं। अब आते हैं हम नीचे, और नीचे वाले बर्ड्स की प्रोग्रेस देखते हैं। ये फीमेल बैठी हुई है माशाल्लाह से, 1 2 3 4 5 जी ठीक है ना, ये अपने एग्स के ऊपर बैठी हुई थी। ये वो मेल है येलो वाला, वाइट वाली फीमेल है, और इसने 5 अंडे दिए हुए हैं। तो माशाल्लाह से इसकी भी प्रोग्रेस कैसी है? अच्छी है। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे पेयर के पास। तीसरा पेयर भी वाइट कलर में लगा हुआ है, और इसकी फीमेल भी मेरा ख्याल अंदर है। और इसको यहाँ से देखते हैं फीमेल का, फीमेल बाहर आ गई, फीमेल भी बाहर आ चुकी है। और इसने दिए हुए या नहीं दिए हुए एग्स ज़रा देखे तो? नहीं, अभी इसने कोई भी एग्स नहीं दिए हुए, मगर इसने अपना घोंसला बना चुकी है कम्प्लीट, मे बी ये एग्स देने वाली है अभी। मैंने आप लोगों को ये 3 पोर्शन दिखाए जिनमें से इन्होंने एग्स दिए हुए थे, इस पेयर ने, और इस पेयर ने भी एग्स दिए हुए थे, मगर नीचे वाले पेयर के अभी एग्स नहीं आए हैं, इंशाल्लाह आ जाएंगे। अब आते हैं हम इस वाले पेयर के पास, तो इसके अंदर देखते हैं क्या है। इसके अंदर पेयर का है, पेयर बाहर आ चुका है, और एग्स वगैरह देखते हैं नहीं, इस पेयर ने अभी कोई भी एग्स नहीं दिए हैं। ये मैंने आपको चौथा पेयर दिखा दिया, इसने भी अभी कोई एग्स नहीं दिए हैं। अब आ जाते हैं पांचवे पेयर के पास, तो इसका भी देखते हैं कि क्या सीन है। तो ए भाई खुल जा, ये आ गई फीमेल बाहर, और इन सब ने भी मुझे लगता है अभी कोई एग्स नहीं दिए हैं। तो इस केज का लास्ट बॉक्स खोलते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर एग्स आए हैं या नहीं आए हैं। तो आ जाओ देखें इसमें क्या होगा, एग्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे देखते हैं। चलो भाई देखते हैं, 3 2 1 ये माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें आप, देखें बोला था ना, दे भाई इब्राहिम ने तो बिल्कुल ठीक बोला था, इब्राहिम ने बोला एग्स दे दिए होंगे, एग्स दे दिए, क्या बात है। तो भाई हम लोगों ने आपको अपने इन 6 पेयर की प्रोग्रेस दिखाई, जिनमें से 1 2 3 पेयर ने एग्स दिए हुए थे और 3 पेयरों ने एग्स अभी नहीं दिए हुए थे। बाकी अब हम आ जाते हैं इस पोर्शन के साइड, और इधर देखते हैं कि कौन से पेयरों ने अभी एग्स दिए हुए हैं। बारी है इस केज की, और इस केज के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस लगे हुए हैं, और 7 बॉक्सेस में से देखते हैं कि किस किस के अंदर एग्स आ चुके हैं। तो इब्राहिम सबसे पहले मुझे बताएगा कि इब्राहिम इसके अंदर एग्स होंगे या नहीं होंगे, इन सब में किसी में भी नहीं होंगे या किसी में होंगे? किसी में होंगे। और देखते हैं। तो चलो भाई आ जाओ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऊपर अभी हाथ हमारा जाएगा नहीं, तो हम पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला बॉक्स खोलते हैं कि इस बॉक्स में क्या है, और ये हमारा अल्बिनो का पेयर है, ये देखो ये हमारा अल्बिनो का पेयर है, और इसके अंदर देखते हैं,
इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी ये पेड़ छोटा है और अभी हमने इसके अंदर नेस्टिंग भी नहीं डाली है, तो इसलिए हमने अभी इनको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। जो इस वाले बॉक्सेस में देखते हैं कि इस वाले बॉक्स में है क्या। तो 3, 2, 1, go! अरे वाह माशाल्लाह, इसके अंदर तो 2 बेबी हैं। वाकई इसके अंदर तो 2 बेबी हैं भाई, इसके अंदर से माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई मैं भी आप लोगों के साथ साथ प्रोग्रेस देख रहा हूँ क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिलता देखने का। जी मुझे दे, देख लो, देखो 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 देखो, माशाल्लाह। और कितने बेबी हैं देख के बताओ? 2 बेबी हैं। कैसे लगे आपको? तो आपने माशाल्लाह तो नहीं बोला, माशाल्लाह तो बोल दो। देखो चाचू को देखो कितने पसीने आ गए हैं क्योंकि सूरज की रोशनी बिल्कुल सामने मुंह के ऊपर पड़ी है इसलिए। लेकिन आप लोगों को प्रोग्रेस कंप्लीट करवा के ही मैं नीचे जाऊंगा, तो भाई माशाल्लाह जरूर लगाइएगा। और इस बॉक्स को भी हम बंद कर देते हैं। अब आते हैं हम अपने 3rd पेयर के ऊपर, तो इसके अंदर देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। तो भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के हम खोलते हैं और चलो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके अंदर भी 3 एग्स हैं और 1 बेबी है। ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये हमारा पेयर है। और ये देखो, ये देखो भाई, देखो करीब जाके देखो, आपको क्यों नहीं दिख रहा, देखो, देखा आपने? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या शान है मेरे अल्लाह की, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसको रख देते हैं। जी बोलो। तो इस पेयर के बॉक्स को हम यहाँ लगा देते हैं और ज़्यादा तंग नहीं करते हैं क्योंकि पेयर जो है फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो चलो इसको बंद कर देते हैं। अब बारी आती है इस पेयर की, इस पेयर को देखते हैं। ये है हमारा अल्बिनो का भी पेयर है और इसके अंदर फीमेल दिखाता हूँ मैं आपको, फीमेल भी बहुत प्यारी है, लाटिनो की फीमेल है फिशरी में। और इसने माशाल्लाह से 2 एग्स दे दिए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। इस वाले मुझे लगता है इस वाले केज की प्रोग्रेस तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही अच्छी आई हुई है क्योंकि इसके अंदर मुझे नीचे वाली से ज़्यादा एग्स नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। इन 4 बॉक्सेस की प्रोग्रेस दिखाई मैंने आप लोगों को, 1, 2, 3, 4, जिनके अंदर 2 में से अंडे भी थे और जो है बेबी भी थे। और अब आती है इसकी बारी, इसके अंदर देखते हैं कि क्या सीन है। तो ये भी हमारा अल्बिनो का ही पेयर है लेकिन इसके अंदर देख लेते हैं, नहीं इसके अंदर अभी कोई प्रोग्रेस नहीं आई है तो इसको हम बंद कर देते हैं। चलो भाई इसको हम बंद कर देते हैं। तो हमारे लास्ट के बचे हैं सिर्फ 2 पेयर की प्रोग्रेस और इसके अंदर भी अल्बिनो इंटू पेस्टेलिनो है और इसके अंदर भी डेकिनो इंटू अल्बिनो रडई है। तो हम सबसे पहले इसके बॉक्स को उतारते हैं नीचे और नीचे उतारने के बाद आराम से यहाँ रखते हैं और यहाँ रखने के बाद अब हम इसके अंदर इनकी प्रोग्रेस चेक करते हैं कि इसके अंदर इनके अंडे हैं, बच्चे हैं या फिर क्या सीन है। तो भाई पेयर ये बैठा हुआ है और इसके अंदर देखते हैं क्या है, क्या क्या अंडे तो हैं यार, ये रहे माशाल्लाह 1, 2, 3, इसके भी 3 अंडे आ चुके हैं भाई। ये क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो? आपको दिखा नहीं रहा नहीं। अच्छा भाई इब्राहिम उदास हो गया, कह रहा है आप मुझे नहीं दिखा रहे। चलो भाई इब्राहिम को भी दिखा देते हैं। आओ भाई आओ, क्या करूँ आप इतने छोटे हैं ना इसलिए फिर आपको कैसे दिखाऊँ। ये देखें, आइए देखें, ये रे एक्स, ये देखें, देख लिए, डन हो गया, अब तो खुश हैं। लगा दूँ बॉक्स? चलो भाई लगा देते हैं बॉक्स, लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बोलिए, जी बोले जी। हमारा लास्ट बॉक्स रह गया क्योंकि इब्राहिम को पसीना आ गए हैं यार मेरे साथ साथ, इसलिए इब्राहिम को बस नीचे जाने की लग रही है। तो चलो भाई हम आपको अपना लास्ट पेयर की प्रोग्रेस चेक करवाते हैं। और इसकी फीमेल अंदर है, मुझे लगता है कि इसने एग्स दे दिए हैं। आ जाओ यार बाहर आ जाओ प्लीज़। तो भाई इसकी फीमेल नीचे आ गई और इसने 1 अंडा दे दिया है। तो इसके पेयर, तो इस फीमेल, ये तो भाई ये फीमेल आप देख सकते हो, ये रही फीमेल और वो रहा मेल और इसने भी 1 अंडा दे दिया है। और इसके बॉक्स को भी हम लगा देते हैं
और पेयर को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो भाई ये थी मेरी छोटी सी प्रोग्रेस मेरे छोटे से सेटअप की, जो कि आप लोगों ने देखी और आप लोगों को पसंद आई होगी। काफ़ी टाइम से मैंने इनके बॉक्सेस लगा दिए थे और मैंने भी छोड़ दिया था इनको देखना, और अभी मैंने भी आप लोगों के साथ ही इनकी प्रोग्रेस देखी है और मुझे भी देख के उतनी ही मज़ा आया और इतनी ही खुशी हुई जितनी आप सब लोग को देख के हुई होगी। तो जिन लोगों को मेरे बर्ड्स की प्रोग्रेस पसंद आई वो माशाल्लाह ज़रूर लगाइएगा जी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको बहुत अच्छी लगी, कैसा फिर और बच्चे कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे। हाँ बहुत अच्छे लगे। माशाल्लाह से भाई इब्राहिम को भी बहुत अच्छे लगे। तो भाई जिन जिन लोगों को मेरे बर्ड्स की प्रोग्रेस पसंद आई हो माशाल्लाह जरूर लगाइएगा। और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।